चलो ध्यान देना, आज हम लोग क्या करेंगे, यूनिट नंबर 4 परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली बच्चों को डिफिकल्ट जाता है ना। एग्जांपल काफी सारे हम लोग ले सकते हैं इसके अंदर, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस टॉपिक के साथ में, इसकी जो लैंग्वेज बुक की होती है ना, बुक की लैंग्वेज से कोई पढ़ाता नहीं, बेरेक की जो लैंग्वेज होती है ओरिजिनल लैंग्वेज। तो हम लोग कोशिश करेंगे हम किस लैंग्वेज के ऊपर महारत हासिल करें, बेरेक की लैंग्वेज पे। ठीक है, दिस इज योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेरेक। ठीक है, अब देखो पटापट हम लोग मुझे बताते चलो, क्या हम लोगों ने सारी सारी चीजें अभी तक जो हुई है वो कवर की या नहीं की है। ठीक है, सबसे पहले मैं सेक्शन 1 को छोड़ दे रहा हूँ, है ना। सेक्शन 2 से भी हम लोग नहीं करेंगे, सेक्शन 2 में देखो काफी सारी डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले हमने किसका डेफिनेशन देखा था, ऑफर का डेफिनेशन देखा था, यस और नो? अरे हाँ, है ना, सेक्शन 2 क्लॉज ए। उसके बाद में हम लोगों ने सेकंड डेफिनेशन किसका देखा था, सेक्शन 2 क्लॉज बी प्रॉमिस एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2 क्लॉज सी प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, सेक्शन 2 क्लॉज डी कंसीडरेशन, समझ में आ रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज ई एग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, सेक्शन 2 क्लॉज एफ प्रॉमिस व्हिच इज फ्रॉम द कंसीडरेशन रेसिप्रोकल प्रॉमिस का। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज जी वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। उसके बाद में सर सेक्शन 2 क्लॉज एच कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज आई क्या बोलता है, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। सेक्शन 2 क्लॉज जे कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या मैं बोल सकता हूँ हमारे सारे सेक्शन हो चुके हैं। यस, इसके बाद में आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, हमने ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ लिया था। अब यहाँ पे देखो बेरेक के अंदर है ना ऑफर, उसके फीचर एक्सेप्टेंस, उसके फीचर नहीं है, दैट इज समथिंग जो हम लोगों ने निकाले। यहाँ पे सीधा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होता है ना, एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर वो वाला चीज है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। क्या ये बात हमने पढ़ी थी, प्रपोजल कम्युनिकेट कब होता है, व्हेन इट इज कमिंग टू द नॉलेज ऑफ फ्रॉम ऑफरी, राइट। दूसरा एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब होता है, दो एंगल से देखना पड़ता है, फॉर प्रोमिसर व्हेन ऑफरी क्या करता है, क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है और आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन निकल जाता है वो, मतलब 20 फरवरी याद आ रहा है, लेकिन ऑफरी के लिए कब कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ, व्हेन इट इज कमिंग टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, याद आ रहा है। सतीश सर आप अपना ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हो, बिफोर एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी, ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हैं, बिफोर इट इज कमिंग टू द नॉलेज ऑफ सतीश सर ऑफर। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है, यस और नो? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर यहाँ पर देखो, अब ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे होता है काफी सारे जनरल लॉ है, तो जनरल लॉ में क्या होता है ना, आप लोगों को लॉ समझ में आने को ना, इसलिए काफी सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी दिए होते हैं। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या हम लोगों ने देखा था, ऑफर और एक्सेप्टेंस रिवोक भी होता है, यस और नो? उसके बाद में रिवोकेशन, हाउ रिवोकेशन इज मेड, नोटिस से कर सकते हो, लैप्स ऑफ टाइम से हो सकता है, डेथ ऑफ द पार्टी से होता है, तो देखो सेक्शन 6 के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग द कंडीशन रिसीविंग, मतलब इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। आगे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल और वॉइड एग्रीमेंट, उसके बारे में वॉट इज एन एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, वॉट आर एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 याद आ रहा है, एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज मेड बाय प्री कंसेंट बाय द पार्टी हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, यस और नो? देखो सेक्शन 10 का लैंग्वेज आपको समझ में आएगा, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। अब देखो हम लोगों ने उसका कितना डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था और यहाँ पे 2-3 लाइन में सेक्शन खत्म हो जाता है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेक्शन 11 हु आर ऑल आर द पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मेजर साउंडमैन एंड वन हु इज नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, देखो पढ़ो वहां पे लिखा है, एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ द मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज साउंडमैन एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ फॉर विच इज द सब्जेक्ट, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, वॉट इज द साउंडनेस ऑफ माइंड, मैंने बोला था द पर्सन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एबल टू फॉर्म द रैशनल जजमेंट, राइट। तो देखो वही लिखा है, वॉट इज सो अ पर्सन सेट टू बी इन साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम ऑफ टाइम वेन ही मेक इट ही इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्मिंग द रैशनल जजमेंट, याद आ रहा है? Yes. Yes or no? आगे
एग्जाम्पल सर कंसेंट क्या होता है, एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कंसेंसस एड इडम, यस और नो? देखो कंसेंट इज व्हेन टू और मोर पर्सन सेड टू बी कंसेंटिंग व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. प्री कंसेंट क्या होता है, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोशन अन इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड. देखो द कंसेंट इज सेड टू बी फ्रेंड व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोशन अन इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. समझ में आ रहा है, यस और नो? कोर्जन क्या होता है, याद आ रहा है बच्चों क्या बोला था हमने कोर्जन के बारे में? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी, प्रिजुडाइज एनी पर्सन व्हाटसोएवर विद इंटेंशन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, राइट? वही लिखा हुआ है. देखो क्या लिखा है, कोर्जन इज अ कमिटिंग थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू एनी टू the prejudice of any person whatever with the intention to causing any person to enter into agreement. क्या मैं बोल सकता हूँ, clear है, yes or no? sir undue influence क्या होता है, यहाँ पे देखो a contract is said to be undue influence कब? तीन चीजें, relation subsist होना चाहिए, one party is in position to dominate the will of another party and that party take unfair advantage, undue gain, yes or no? आ जाओ देखो, a contract said to be undue influence where the relation subsist, yes or no, between the parties and such that one party is in a position to dominate the will of other and uses that position to obtain the unfair advantage. क्या मैं बोल सकता हूँ, where act क्या invest है, yes or no, clear है? आगे in the particular with without prejudice any generality, उसका meaning वगैरह बताए. अब relation कब होता है, तो वो देखो याद आ रहा है, real apparent हो सकता है, fiduciary हो सकता है, या कोई व्यक्ति mental distress में होगा because of age, because of illness. तो वही लिखा, देखो where he hold the real or apparent authority or other stand as a fiduciary relation, याद आ रहा है, सारी बातें बोली थी, तीन तरीके की relation. और तीसरा where he make a contract with a person who are mental capacity temporarily or permanently affected by age, illness or mental bodily distress, याद आ रहा है? आगे बढ़ते हम लोग, काफी सारे एग्जाम्पल. सर फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड मतलब suggestion of fact which is not true but by the one who believe it is not to be true, yes or no? तो मेरे को पता है मैं जो बोल रहा हूँ वो फालतू वाली बातें, वो सही नहीं है, फिर भी मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये क्या हो गया सर, फ्रॉड हो चुका है, ठीक है. उसके बाद में एनी प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, क्या ये भी फ्रॉड माना जाएगा, यस. उसके बाद सो आ जाओ, सजेशन ऑफ फैक्ट दैट विच इज नॉट ट्रू बाय द वन हु बिलीव नॉट बिलीव टू बी ट्रू, मुझे पता है मैं बोल रहा हूँ वो सही नहीं है. एक्टिव कंसीलमेंट मतलब जानबूझ के छुपाना, यस और नो? उसके बाद में प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, नेक्स्ट एनी अदर फिटेड डिश्यू, कोई भी ऐसा एक्ट जिससे आप सामने वाले को फंसाना चाहते हो, या फिर किसी और लॉ में किसी चीज को फ्रॉड बोला है, तो क्या वो भी फ्रॉड माना जाएगा, यस और नो? यस. नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा मिसरिप्रेजेंटेशन. मिसरिप्रेजेंटेशन में तीन बातें आती हैं, इफ यू रिमेंबर. पॉजिटिव असर्शन, मैं किसी चीज को हाँ बोल रहा हूँ विदाउट एनी वारंटेड स्टेटमेंट, क्या बोल सकते हैं, वारंट मतलब सर आपका मोबाइल अच्छा है क्या, हाँ अच्छा है, क्या मैंने क्रॉस चेक करके तुमको बोला, नहीं मैं तो जनरल बोल दिया, बट एक्चुअली फोन में वायरस है, प्रॉब्लम है, तो क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ? बट मेरे को लगता है मैं क्यों अच्छा बोला, क्योंकि मेरे को लगता है अच्छा है, समझ में आ रहा है? तो सजेशन ऑफ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बट बाय द वन हु बिलीव इट टू बी ट्रू, मैं मानता हूँ मैं बोल रहा हूँ सही है, वो गलत है वो अलग बात है, समझ में आ रहा है, यस और नो? दूसरी बात आता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मैंने रेंट वाला एग्जांपल बताया था आप लोगों को, इफ यू रिमेम्बर. और तीसरा वाला क्या था सर, इनोसेंट मिस्टेक, गाड़ी में पीछे की सीट उठा के चले गए, ठीक है. वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, अगर अब सेक्शन 19 क्या बोलता है कि अगर आपकी कंसेंट फ्री नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है. अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहते हो तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? मतलब सपोज मैंने बंदूक रखी आपके 10 करोड़ का घर, मैंने 2 करोड़ में लिया, अगर आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करो, बराबर वॉइडेबल है. इसके बाद में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया तो ऐसे वाले केस में मैं क्या करूंगा, आपको आपका घर वापस दूंगा, आप मुझे मेरे 2 करोड़ वापस दोगे. लेकिन एक याद रखना, सेक्शन 90A अमेंडमेंट हुआ था जो बोलता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में, कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है तो रिस्टोरेशन कितना होगा वो कोर्ट डिसाइड करेंगे, हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है सर? उसके बाद में आता है एग्रीमेंट वॉइड वेयर द बोथ पार्टीज आर मेक अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. अब ये बात याद रखो, हमने बोला था मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और मिस्टेक ऑफ लॉ भी. मिस्टेक ऑफ लॉ देयर इज नो एक्सक्यूज, नाइदर वॉइड नाइदर वॉइडेबल. मिस्टेक ऑफ फैक्ट के केस में अगर एक पार्टी अंडर मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है, बोथ पार्टी अंडर द मिस्टेक है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है. बट इनकी एक्सेप्शन भी है, एक सिंगल पार्टी, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गिफ्ट डीड वाला एग्जाम्पल दिया था रेंट की जगह पे, यस ऑन आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन से लेके आपका, सो देयर इज नो कंसेंट, इफ नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट, राइट? अब क्वेश्चन ये आता है सर, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोथ पार्टी मतलब
प्राइस से लेके हो सकता है, क्वांटिटी से लेके हो सकता है, क्वालिटी से लेकर हो सकता है, प्रोडक्ट से लेकर हो सकता है, यस और नो, वो सारे एग्जांपल राइफल का वगैरह हम लोगों ने कवर किए थे। आगे बढ़ते, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ होगा, इंडियन लॉ होगा तो देयर इज नो एक्सक्यूज, राइट, इन्फोर्सेबल रहेगा। और दूसरा बात, क्या पार्टी नहीं बोल सकती आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द लॉ, है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, देयर इज नो रेयर नो एक्सक्यूज, मैं ऐसे कर रहा था कितना गंदा ये हो गया, रिकॉर्डिंग सही से नहीं हुआ, बट एनी वे नो प्रॉब्लम, ठीक है आ जाओ, एक काम करता हूँ मैं, जस्ट होल्ड ऑन, अब सही हुआ। ठीक है चलो ध्यान देना, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा, कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ द वन पार्टी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो मैंने आपको बता दिया, जनरली ये वॉइड होता है। उसके बाद में व्हाट आर, लेकिन एक्सेप्शन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लेके आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी, वो एक्सेप्शन में, ठीक है। व्हाट आर द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल, याद आता है सबसे पहले हमने बोला फॉरबिडन बाय लॉ वाला एग्जाम्पल, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला कि लाइसेंस आगे किसी को मत दे देना, हमने दे दिया, लॉ बोलता है कुछ मत करो, तुम वो लोग कर रहे हो, मर्डर करना, डकैती करना, बराबर, दिस इज अपोज, क्या बोल सकते हैं हम लोग, फॉरबिडन बाय लॉ। दूसरा, सच मैटर, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, फॉरबिडन बाय लॉ। सच अ मैटर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, मतलब ऐसा रोका नहीं है लेकिन अगर आप वो काम कर रहे हो तो लॉ का मकसद ही खत्म हो रहा है। मैंने बताया लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि भाई साहब 3 साल के बाद में आप सामने वाले के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस, राइट। तुम बोलते देख भाई मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ लेकिन मेरे को एग्रीमेंट में लिख के दे कि लिमिटेशन एक्ट अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, अब मैं तेरे ऊपर 10 साल के बाद में भी केस फाइल कर सकता हूँ, यू आर डिफेक्टिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ, यस और नो। दूसरा एग्जाम्पल मैंने कवर किया था कौन सा वाला, कि अपनी प्रॉपर्टी आप खुद परचेस नहीं कर सकते थे, पर आपने क्या किया, खुद नहीं कर सकते, अपने दोस्त को बोला तू परचेस करके ले, याद आ रहा एग्जाम्पल। उसके बाद में वो सारा फ्रॉडुलेंट, याद है सतीश सर अपना फ्लैट इंडिया में टॉम क्रूज को बोले सेल करना, रेंट पे चढ़ाना, उसने रेंट पे चढ़ा दिया लेकिन मेरे को पैसा नहीं दे रहा, बताया नहीं रेंट पे चढ़ाया बोल के, यस और नो। या फिर लक्ष्मी चिट फंड, फिर है ना फिर इट इन्वॉल्व इंप्लाइज इंजुरी टू द पर्सन द प्रॉपर्टी वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, प्रॉपर्टी मतलब मैंने नोट्स वाला एग्जाम्पल दिया था, समवन कॉपिंग। उसके बाद में सेकंड मैंने पर्सन वो दशरथ मांझी वाला एग्जांपल दिया था, उसके बाद कोड रिगार्ड एज इमोरल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और फिर किसकी चीज, इसके काफी सारे एग्जांपल कवर किए, एग्रीमेंट वॉइड इफ द कंसीडरेशन ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन द पार्टी, याद आ रहा है, भले ही अब मैंने बताया था वो सेपरेबल है या नहीं है, मैंने बोला 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ मेडिसिन प्लस ड्रग सप्लाई करने का है तो क्या सेपरेबल है, तुमको मालूम है किसके लिए कितना मिल रहा है, नहीं तो पूरा एग्रीमेंट गलत माना जाएगा, लेकिन मैंने बोला 30,000 दे रहा हूँ मैं आपको मेडिसिन सप्लाई करने के लिए, 70,000 दे रहा हूँ ड्रग सप्लाई, सेपरेबल है या सॉ नो, मेडिसिन का पैसा यू कैन रिकवर बट ड्रग्स का पैसा यू कैन नॉट रिकवर फ्रॉम मी, ये सारे पॉइंट याद आ रहे हैं, यस और ऐसा नहीं लग रहा है जिस चीज़ों को हमें पढ़ने के लिए कितना भयंकर वाला समय लगा था, बेरैक में कितना रपा रप खत्म होता है, क्यों, बिकॉज बेरैक में इधर उधर का बात नहीं होता है, सीधा लैंग्वेज ऑफ लॉ होता है, पढ़ने के बाद में ना समझ में आएगा अगर आपकी आपने कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो गए, इसलिए आज मैंने जानबूझ के क्या किया, बेरैक इसलिए उठा रहा हूँ कि जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ ना परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बच्चों को बेरैक से पढ़ने में तकलीफ, नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ा जाता है, तो मेरा मकसद है आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेरैक से ही पढ़े, समझ में आ रहा है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड अनलेस इट इज इन राइटिंग और रजिस्टर, और अब सुनो, प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट समथिंग डन फॉर द, याद आ रहा है ये कहाँ पे था, बार बाय लिमिटेशन एंड ऑल, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड अनलेस नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन वेर देर इज नो कंसीडरेशन टिल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ये वन बाय वन देखो, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन वाला पहला एक्सप्रेस होगा राइटिंग में होगा, यस और नो, लव एंड अफेक्शन। दूसरा क्या था, वॉलेंटरी कॉम्पेंसेट करना, मैंने एग्जाम्पल बताया था किसका, दशरथ राजा का, कई कई के साथ वाला, ठीक है। तीसरा मैंने बोला था आपको यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉमिस इन राइटिंग साइन बाय द, हाँ टाइम बार डेप वाला,
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ. तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल जो यहाँ पे कवर किए हुए, एग्जाम्पल कवर किए हुए. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज क्या माना जाएगा? वैलिड, यस और नो? लेकिन माइनर को रोक रहे हो तो वैलिड, बराबर. उसके बाद में एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कि भाई साहब धंधे से लेके, बट इसके एक्सेप्शन है. कौन सा? सर्विस एग्रीमेंट, गुडविल सेल कर रहे हो, पार्टनरशिप के केस में, वो सारी वहां पे आपको रिस्ट्रेंट कर सकते हैं. ड्यूरिंग द पार्टनरशिप नया बिजनेस शुरू मत करना, पार्टनरशिप छोड़ के जाने के बाद में खुद का सेम बिजनेस में एंटर मत होना, आप गुडविल सेल कर रहे हो तो सेम पार्टनरशिप का नाम फिर से यूज मत करना, ऐसे काफी सारे रिस्ट्रिक्शन है. एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. अब ये एक नया पॉइंट, अच्छा पॉइंट है ना. सुनो क्या होता है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने केस ही फाइल नहीं करना. मतलब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, बट हम लोग बोल रहे हैं कि भाई आप हमारे अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकते हो, मैं आपके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता हूँ, वैलिड माना जाएगा? आंसर इज नो. ठीक है, तो लिमिटेशन पीरियड आपको अधिकार देता है कि आप 3 साल में केस फाइल करो, यस और नो? आप बोल रहे हो मैं 10 साल में भी केस फाइल कर सकूंगा, तो वो डिफिक द प्रोविजन ऑफ द लॉ है यार, आप लॉ की प्रोविजन को तोड़ रहे हो अगर परमिट कर दूं. लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई 3 साल में एक्शन मत लेना, अगर तेरे को एक्शन लेना है मेरे अगेंस्ट में तो सिर्फ 1 साल के अंदर लेना. यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग का उसका जो अधिकार, आप उसको कर्टेल कर रहे हो, उसको आप रोक रहे हो कि नहीं रोक रहे हो? यस और नो? तो एक बहुत टेक्निकल लाइन, 3 लाइन डिफरेंस बता रहा हूँ. लिमिटेशन पीरियड बोलता है कितने साल में एक्शन लो? 3. अगर आप बोल रहे हो मैं 3 साल में नहीं, मैं 5 साल में लूंगा, एग्रीमेंट में लिख रहा हूँ, तो इट इज डिफेक्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ. समझ में आ रहा है? 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है और आप बोल रहे हो कि एक्शन सिर्फ 1 साल में ही ले सकते हैं, बाद में नहीं. दिस इज क्या बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन लीगल प्रोसीडिंग. भाई आप लीगल प्रोसीडिंग करने के अधिकार को कर्टेल कर रहे हो. समझ में आया? तो क्या वैलिड माना जाएगा? आंसर इज नो. अब इसके कुछ एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? मैं बोलता हूँ कि भाई तू कोर्ट में मत जाइयो, तू कोर्ट में मत जाइयो, हम लोग आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, मतलब थर्ड पर्सन से अपना डिस्प्यूट रिजोल्व करेंगे, वो वैलिड माना जाता है. समझ में आ रहा है? दूसरा चीज हम लोग क्या बोलते हैं कि देख यार, हम लोग है ना केस कोर्ट में लेके जाएंगे, लेकिन जो डिसीजन आएगा ना उसके ऊपर अपील नहीं करेंगे, वो वैलिड. लेकिन जाने का चांस तो दिया ना आपको, यस और नो? तो वो सारी चीजें देखो, पढ़ो अब इसको. एवरी एग्रीमेंट बाय विच ए पार्टी देयर टू रिस्ट्रिक्ट एब्सोल्युटली, आपको रोक ही रही है, तुम कोर्ट में जा ही नहीं सकते हो, फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग इन द ऑर्डिनरी ट्राइब्यूनल विच लिमिट द टाइम विद इन हिम विच लिमिट द टाइम विद इन विच ही में दस इन्फोर्स इज राइट. मतलब दो बातें बोली, एक तो आपको एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन कि आप जा ही नहीं सकते हो कोर्ट में, या फिर आपके पास समय है 3 साल का, आपको बोल रहे हैं सिर्फ 1 ही साल में जा सकते हो, उसके बाद में नहीं जा सकते हो. तो इसको क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. क्या एग्रीमेंट वैलिड होवानी जाती है? आंसर इज नो. विच एक्सटिंग्विश द राइट ऑफ एनी पर्सन, एक्सटिंग्विश मतलब खत्म कर रहे हो आप किसी का राइट, है ना? डिसरिगार्ड द पार्टी, इसके अंदर देखो सेविंग कॉन्ट्रैक्ट रेफर आर्बिट्रेशन, याद आ रहा है? अगर आर्बिट्रेशन वाला क्लॉज होगा तो वैलिड माना जाएगा कि भाई हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, चल जाएगा. ठीक है, सेविंग अ गारंटी एग्रीमेंट टू बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. उसके बाद में एग्रीमेंट सेक्शन 29 याद आ रहा है, अनसर्टन. उसके बाद में एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड, वेजरिंग एग्रीमेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यस और नो? एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टन प्राइजेस, हॉर्स रेस के केस में 500 रुपये तक का ऊपर का वैलिड होगा, 500 के नीचे का वॉइड होगा. उसके बाद में कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है, यस और नो? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखो एक लाइन में रफा दफा है, फिर उसके 6 रूल है. क्या? एग्रीमेंट टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट, यस और नो? फिर उसके बाद में इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्टिजेंट इवेंट हैपनिंग, वो देखो 32, कुछ होगा मतलब मेरे को गुड्स मिला तो तेरे को दूंगा, नॉट हैपनिंग तुझे नहीं मिला तो आई विल प्रोवाइड. समझ में आ रहा है? हैपनिंग विद इन टाइम, हैपनिंग नॉट हैपनिंग विद इन टाइम डिपेंड अपॉन द कॉन्टिजेंसी ऑफ द लीगल पर्सन और इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. ऐसे करोगे ना सो वी आर डन विद द इवेंट इम्पॉसिबल. 36, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेरेक से पढ़ना कितना ईजी हो जाता है, यस और नो? आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 37 क्या बोलता है? ऑब्लिगेशन ऑफ रिफ्यूजल. अब सुनो, वी आर डन विथ आज तक का जो भी पढ़ा है. अब जो शुरू कर रहे हैं बेरेक से शुरू कर रहे हैं, बच्चों को तकलीफ जाता है, इसलिए खासकर से कहाँ से पढ़ने वाले हैं? बेरेक से पढ़ने वाले हैं. क्या यहाँ तक क्लियर है सारी बातें?
यस और नो? यस सर। अब रुको, सबसे पहला परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? सपोजिंगली सतीश सर ने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्लास 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 देने वाला हूं, आपने बोला था कि सर हम आपको पैसे दे देंगे, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन आता है, सतीश सर कौन है, प्रॉमिसर है या प्रॉमिसी है या दोनों है? दोनों है, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मानो आपने बोला था सतीश सर हम आपको पैसे देंगे, तो आप कौन हो, प्रॉमिसर प्रॉमिसी या दोनों? आप प्रॉमिसर भी हो प्रॉमिसी भी हो दोनों भी हो। सुनो कैसे है? एक एग्जांपल से हम लोग कवर करते करते आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ मिस्टर ए, मिस्टर ए ने क्या किया, प्रॉमिस किया मिस्टर बी को वो अपनी कार देगा, यस और नो? उस मिस्टर बी ने प्रॉमिस किया फॉर दैट इन दैट रिस्पेक्ट वो इनको 20 लाख रुपीज देगा, सॉर्टेड, यस और नो? क्वेश्चन ये आता है कि सर जो मिस्टर ए है ये कौन है, प्रॉमिसर है या प्रॉमिसी है? प्रॉमिसर है या प्रॉमिसी है? और मिस्टर बी जो है वो कौन है, प्रॉमिसर है या प्रॉमिसी है? तो आंसर आता है कि सर मिस्टर ए प्रॉमिसर है, किस चीज के लिए, कार देने के लिए, लेकिन वो प्रॉमिसी है किस चीज के लिए, पैसे लेने के लिए। वहीं पे मिस्टर बी की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर बी कौन है, प्रॉमिसर है, किस चीज के लिए, 20 लाख रुपए देने के लिए, और प्रॉमिसी है किस चीज के लिए, कार लेने के लिए। समझ में आ रहा है? बोथ पार्टी आर प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। तो सर ऐसे क्या चीजें हैं जो प्रॉमिसर को डिफाइन करती है और ऐसे क्या चीज है जो प्रॉमिसी को डिफाइन करती है, जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है, क्या मैं बोल सकता हूँ वो प्रॉमिसर होता है? ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, कार देने की ड्यूटी है तो आप प्रॉमिसर हो, पैसे देने की ड्यूटी है आप प्रॉमिसर हो, और जहां पर आपके पास क्या आता है, राइट आता है, तो आप क्या बन जाते हो, प्रॉमिसी बन जाते हो। समझ में आया? पैसा लेने का अधिकार है आप प्रॉमिसी हो, कार लेने का अधिकार है आप प्रॉमिसी हो। समझ में आया? तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो प्रॉमिसर का ऑब्लिगेशन है वो प्रॉमिसी का राइट है, यस और नो? और जो इसको अदर वे अराउंड, प्रॉमिसी का राइट इज ऑब्लिगेशन ऑफ प्रॉमिसर, दैट सेट, यस और नो? देख लो यहां पर प्रॉमिसर का ऑब्लिगेशन क्या, कार देना, प्रॉमिसी का राइट क्या है, कार लेना, प्रॉमिसर का ऑब्लिगेशन क्या है, 20 लाख रुपए देना, प्रॉमिसी का अधिकार राइट क्या है, 20 लाख रुपए लेना। समझ में आया? तो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, लॉजिकली क्लियर हुआ? क्या मैं बोल सकता हूँ बोथ पार्टी आर क्या बोल सकते हैं, मतलब बाउंड टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, यस और नो? यस। अब हम लोग कवर कर रहे हैं वन बाय वन सेक्शन। अच्छा इन सारी चीज़ों को आप लोग बाद में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आज मैं सीधा सीधा, मेरा मेजॉरिटी, मेरे को बहुत सारे सेक्शन कवर करने हैं, लेट्स से कितने होते हैं। सेक्शन नंबर 37, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या ऑब्लिगेशन है, टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, यस और नो? सो द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट और एनी अदर लॉ। तब उसके बाद में The promises bind the representative of the promisor in case of the death of the promisor before the performance unless contrary intention appear in the contract. बताओ, पढ़कर कुछ समझ में आ रहा है क्या? पढ़कर कुछ समझ में आ रहा है क्या? है पहली लाइन सही है, देखो लिख लेते हैं, obligation of the parties to contract। पहला सेक्शन क्या कवर कर रहे हैं सर हम लोग, सेक्शन नंबर 37 क्या है, ऑब्लिगेशन टू, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, यस और नो? ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने क्या बोला, जो प्रॉमिसर है,
प्रोमिसर को कुछ ना कुछ परफॉर्म करना पड़ता है, ऑब्लिगेशन उसी का है ना। बोले तूने क्या करना है, तूने किसी चीज को ऑफर करना है, ऑफर सॉरी तूने क्या करना है, परफॉर्म करना है अपनी ऑब्लिगेशन को। परफॉर्म करो अपनी ऑब्लिगेशन को, या फिर ऑफर टू परफॉर्म, दोनों में भी फर्क है, समझना इस बात को। परफॉर्म करना क्या होता है कि भाई साहब सतीश सर ने अपने लॉ के लेक्चर आप लोगों को दे दिए, आपने मंगे थे और मैंने आपको मेरे लॉ के लेक्चर दे दिए स्टूडेंट्स को, क्या मैं बोल सकता हूँ सतीश सर परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। आपने मुझे बोला कि सर हम आपको पैसे देंगे, आपने पैसे दे दिए, कैन आई से यू गाइस परफॉर्म योर ऑब्लिगेशन, यस और नो। अब दूसरा आता है कि सतीश सर ने आपके घर पे कुरियर भिजवा दिया, किसका, पेन ड्राइव क्लासेस प्लस नोट्स, किसके घर पे भेजा, स्टूडेंट्स के। अब वो अलग बात है कि स्टूडेंट ने उसको क्या कर दिया, रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी, स्टूडेंट ने रिफ्यूज किया, क्या सतीश सर ने ऑफर किया कि नहीं किया, यस और नो। सो प्रोमिसर ही आपका ड्यूटी है, आपने क्या करना चाहिए, अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहिए या फिर ऑफर टू परफॉर्म करना चाहिए। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया, यस और नो। अनलेस एक्सक्यूज ऑफ लॉ, एक्सक्यूज ऑफ लॉ मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें इम्पॉसिबल हो जाती हैं, कुछ चीजें जैसे मैंने आपको बोला मैं आपको खर्रा सप्लाई करूंगा, मोदी जी आके बोलते भाई हो बहनों खर्रा नहीं खाना, आज से बैन कर दिया। अब मैं को एक बात बताऊँ, मोदी जी ने बैन कर दिया, क्या अब मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर आप अपना काम परफॉर्म नहीं करोगे तो सामने वाला आपके ऊपर एक्शन ले सकता, बट आप परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो, खुद की वजह से या मोदी जी की वजह से, क्या सामने वाला आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, आंसर इज नो। अब इन्होंने बोला यार प्रोमिसर अपने को छोड़ के गया, मतलब दुख हुआ, प्रोमिसर क्या करके गया, छोड़ के गया, प्रोमिसर का क्या हुआ, डेथ हो गया, प्रोमिसर का डेथ हो गया। अब कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल परफॉर्म, लेकिन इसकी कंडीशन है नॉट पर्सनल नेचर, नॉट अ पर्सनल नेचर मतलब क्या, एक एग्जांपल लेता हूँ यू विल अंडरस्टैंड। मानो देयर इज अ मूवी, वो पूजा वाली मेरी डी मगल बन जा रहे वो सी, हाँ वो वाला रे, हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ, याद आई है मूवी, अनुष आयुष्मान खुराना ड्रीम गर्ल, हाँ वो ठीक है। अब क्या हुआ, ये है बेटा ड्रीम गर्ल, जो लोगों को कॉल करती है उनके दुख शेयर करती, मतलब उनसे बात करती, अकेलापन हो गया लोगों की जिंदगी में तो ये कॉल करती थी, ठीक है लोग इससे बात करते थे, ये एंटरटेन करती थी ड्रीम गर्ल। अब ये जो लड़की है ये एक्चुअली कौन है, एक लड़का है, एक्चुअली कौन है, लड़का है, लेकिन किस आवाज में बात कर रहा है, लड़की की आवाज में लोगों का गम शेयर कर रहा है, और इसको मालूम नहीं पड़ता बाद में कि भाई साहब इसके जो पिताजी है ना वो भी इस लड़की से बात करते हैं, मतलब अपने बच्चे से, उनको लगता कोई लड़की होगी बराबर, इसका जो साला है ना होने वाला वो भी इस लड़की से बात करते रहता, और ये सबको एंटरटेन करता, सबको मैनेज कर रहा है, ठीक है। अभी अभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मान के चलो सच्ची में कोई दूसरी लड़की थी, ये अपने बापूजी को कि भाई नहीं करना चाहिए शादी, इसलिए अपने बापूजी को उल्टी पट्टी पढ़ाते, क्या पट्टी पढ़ाते कि भाई एक लड़की को बुलाते मिलने को, और ये ना गुरखा पहन के आती वो, और ये हिंदू होता है कि भाई इनका दिल टूट जावे, है ना
बापूजी बहुत बुरा लगता है बापूजी को, लेकिन इसका जो दोस्त होता है ना वो उसके बापूजी को क्या बोलता है, अरे क्या ही तो रखा है बोले धर्म में, बोले आज सब चलता है। और दूसरे दिन देखा तो बापूजी अत्तर की दुकान लगाए हैं, पूरे घर को हरा कलर लगा रहे हैं, बोले बेटा तेरी माँ तो आने ही वाली, बोले कन्फर्म है, समझ में आ रहा है। एनीवे कम टू द पॉइंट, है ना, क्या बापूजी ने किसी एक्स को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे से शादी करूंगा, यस और नो? हाँ। नाउ बापूजी इज नो मोर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव शुड परफॉर्म द प्रॉमिस। नाउ दिस प्रॉमिस इज अ पर्सनल इन नेचर, बापूजी नहीं तो क्या होगा, मैं शादी करूंगा तेरे साथ में, क्या ऐसा बोल सकता है? पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, समझ में आया? दूसरा, क्या ऐसा हो सकता है कि बापूजी को किसी को 20 लाख रुपए देने थे, यस और नो? Yes. यहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, प्रॉमिसी को 20 लाख देने पड़ेंगे। लेकिन बापूजी छोड़कर ही गए 10 लाख रुपए, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कितना देगा? 10 लाख ही देगा। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल टू द एक्सटेंट प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, समझ में आया? आपकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी है जितनी आपको प्रॉपर्टी इनहेरिटेड हुई है, जितनी ऊपर से मिली उससे ज्यादा तुम क्या को दोगे, समझ में आया? तो क्या मैं बोल सकता हूँ वी आर डन विद सेक्शन नंबर 37? अब समझ में आ रहा है आपको? व्हेन वी स्टडी फ्रॉम द बेयर एक्ट ना, दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द वे। बेयर एक्ट पढ़ो, समझो, एग्जाम्पल सेट करो, लाइफ में आगे बढ़ो, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे तो खैर अपन, अब मेरे मैंने एग्जाम्पल बना के दिए, इफ यू जस्ट गो एंड रीड द एग्जाम्पल, दिख रहा है तुमको स्क्रीन के ऊपर? तो एग्जाम्पल पढ़ो, वो क्या लिखा है? ए प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन सर्टन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹1,000। ए डाइज बिफोर द डे, ए रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू बी, यस और नो? एंड बी आर बाउंड टू पे 1,000 टू ए रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद में द प्रोमिसेस टू पेंट द पिक्चर ऑफ बी ऑन अ सर्टन डे एट अ सर्टन प्राइस, ए डाइज बिफोर द डे, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इधर बाय ए रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी, कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये पर्सनल नेचर का है ना, सिंगिंग करना, डांस करना, पेंटिंग करना, यस और नो? शादी वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने। देन सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 38, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब सुनो, मैंने ये वाला सिचुएशन आ गया क्या, सेक्शन नंबर 38 लिख, देखो सेक्शन नंबर 38। अब यहां पर जो प्रोमिसर है, प्रोमिसर ने क्या किया, ऑफर किया किस चीज का, परफॉर्मेंस का। लेकिन जो प्रोमिस ही है, प्रोमिस ने क्या किया, ऑफर को रिफ्यूज किया, समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन ये आता है, सर इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, समझ में आ रहा है? लॉजिकली सोच के बताओ, प्रोमिसर ने तो ऑफर किया परफॉर्म करने का, प्रोमिसर ने रिफ्यूज किया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ प्रोमिसर इज फ्री फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन? अगर सपोजिंगली आपके घर के ऊपर फ्लिपकार्ट से गुड्स आया, कैश ऑन डिलीवरी था, यू डिडंट एक्सेप्ट, तो फ्लिपकार्ट ना नाउ फ्री फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशन, क्या फ्लिपकार्ट आपसे कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकता है? आंसर इज यस, और फ्लिपकार्ट इज नॉट बाउंड कि वो आपको फिर से देगा, जरूरी नहीं है, समझ में आया? तो आ जाते हैं लॉ की लैंग्वेज में, पढ़ते हैं, पढ़ो क्या लिखा है। वेयर द प्रोमिसर हैज मेड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ किसको, टू द प्रोमिसी, द ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड और ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, नॉर डज ही लूज द राइट, नॉर डज ही देयर बाय लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात, आपने परफॉर्म करना चाहिए था, परफॉर्म नहीं करोगे तो सामने वाला आपके ऊपर एक्शन लेगा, यहां पर आपने परफॉर्म नहीं किया है, आपने परफॉर्मेंस का ऑफर दिया, परफॉर्म किया है क्या, नहीं किया है ना, तो परफॉर्म नहीं करने के बावजूद भी सामने वाला आपके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि आपने परफॉर्म करने की कोशिश की है ना, यस और नो? सामने वाले ने रिफ्यूज किया है, और ऐसा नहीं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के राइट खत्म हो गए, आप चाहो तो उसको फिर से सेल कर सकते हो, उससे पैसा ले सकते हो। दूसरा, नहीं ले रहा है तो आप उसके ऊपर कॉम्पेंसेशन के लिए केस फाइल कर सकते हो। तीसरा, समझ में आ रहा है, एंड यू फ्री फ्रॉम योर ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट योर ऑप्शन, चाहो तो कंटिन्यू करो, चाहो तो क्लोज करो, कॉम्पेंसेशन ले लो, समझ समझ में आया?
अब कुछ कंडीशन है जो आपने फुलफिल करनी है, तो आ जाओ ध्यान देना, इफेक्ट कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, कुछ कंडीशन जो आपने फुलफिल करनी है ना, किसके लिए? ऑफर टू परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल कर लेते हो तो इफेक्ट क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस अंडर द सर्कमस्टेंसेस दैट द पर्सन टू हुम इट इज मेड आर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ असर्टेनिंग द असर्टेनिंग दैट द पर्सन बाय हुम इट इज मेड एबल एंड विलिंग बराबर देयर बाय एंड टू डू होल ऑफ द व्हाट ही इज बाउंड टू डू ओके एंड इफ द ऑफर इज डिलीवरी ऑफ एनीथिंग। चलो कुछ समझ में आ रहा है पढ़ के? नहीं आ रहा है ना, सुनो बता दो पहली बात क्या बोला है। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल का मतलब क्या है? जब आप परफॉर्म कर रहे हो तब कंडीशन मत लगाओ। मतलब आपने मेरे को बोला सर आ जाओ हमारे घर पे फैन फिक्स करना है ना, मैं आया, तुमने ऑफर किया, मैं एक्सेप्ट किया, यस और नो। अब मैंने परफॉर्मेंस करने वाला बारी आया, मैं तुम्हारे घर में आ गया, छोटा बच्चा था, उसको बोला इधर आ रहे, इधर आया, मैंने बोला उधर देख, उधर देखा उसने, मैंने लात मारी उसके बम पे, गिर गया नीचे, बोला अरे मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है। अब मैं जाके तुम्हारे चेयर पे बैठ गया, मैंने बोला दो घंटे सोऊंगा उसके बाद मैं काम करूंगा, बराबर सोया मैं उधर, फिर मैं उठा, मैं बोला टीवी लगाओ नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, टीवी लगाया, मैंने बोला गाने लगाओ पहले, बोला चाय बना के लाओ, बोला ए गणपत तुमको बोल रहा है मैं गणपत, चल दारू ला, बराबर दारू नहीं लाएंगा तो मैं काम नहीं करूंगा। अब मेरे को बताओ यहाँ पे मैंने जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ क्या मैं बहुत सारी कंडीशन लगा रहा हूँ? अब ऐसी हरकतें देखने के बाद में तुम तो रिफ्यूज करोगे कि एक्सेप्ट करोगे? तो यहाँ पे बोले प्रॉमिसर तेरी गलती है, तेरा परफॉर्मेंस अनकंडीशनल होना चाहिए। समझ में आया? दूसरा प्रॉमिसर तेरा जो परफॉर्मेंस है ना वो प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आपने बोला सर सतीश सर आ जाना घर पे फैन फिक्सिंग करना है, मैंने बोला हाँ, तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, पहला स्वागत था तुम्हारा, मैं रात को 2 बजे डिंग डोंग डिंग टोंग डिस्टर्ब कर रहा तुमको, बोले सर क्या है, मैंने बोला हाँ देख मैं आया परफॉर्म करने के लिए, जल्दी से दरवाजा खोल ले, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सर। मतलब जो समय पे आप परफॉर्म कर रहे हो समय भी तो सही होना चाहिए, दिन के समय में आओ, रात बेरात को कौन आता, यस और नो? प्लेस भी सही होनी चाहिए। अब सपोजिंगली किसका डेथ हुआ है, राइट, आप उधर गए वाले, आपको मेरे को 1,00,000 रुपए देना है ना, मैं आया उधर देने के लिए, पैसा ले रहे तेरा पैसा, चार लोग तुम्हारे पास देख रहे, लेता कि नहीं लेता देख, अगर तूने लिया नहीं तो आई एम फ्री फ्रॉम माय लायबिलिटी, मैं तेरे को तेरा पैसा वापस नहीं दूंगा। दिस इज प्लेस भी तो प्रॉपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस और नो? तीसरा एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू परफॉर्म होल ऑफ प्रॉमिस। एग्जाम्पल एबिलिटी और विलिंगनेस, सपोजिंगली आपने मुझे बोला कि सतीश सर आ जाना मेरा प्री वेडिंग शूट है ना शादी के पहले का, फोटो वोटो निकालने का, बोला हाँ किधर है, बोले सर पहले मेरी नौरी को उठाना है, मतलब मेरे होने वाली फियोंसी को, मेरी वाइफ को उठाना है, बोला अच्छा उठा लूंगा, बोले नहीं सर इन नॉट दैट रिस्पेक्ट, मतलब पहले उसको पिकअप करना है फिर मेरे पास आना और फिर हम लोग जाएंगे अच्छे जगह पे और जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फोटोशूट कराएंगे। मैंने बोला डन सॉर्टेड एकदम आराम से। मैं गया लड़की के घर पे, लड़की वालों ने मेरे को चाय पानी दिया, मैंने चाय पानी लिया, बोले सर प्री वेडिंग आप कर रहे हो, मैंने बोला हाँ मैं कर रहा हूँ, कोई तकलीफ वाला काम ही नहीं है, तो बोले कैमरा किधर है, मैंने बोला है मेरे पास, किधर है, मैंने ऐसे किया, तो वो बोलती अरे ये क्या टाइम पास लगाया, तुम्हारी सासू माँ उधर से देख रही, मैंने बोला टाइम पास नहीं है सच्चाई है, बोले इससे फोटो निकलता,
मैंने बोला हाँ निकलता, चल स्माइल कर, तुम्हारी नौरी को बोला होने वाली, उसने स्माइल किया, थोड़ा निकल गया फोटो। बोले इसका मतलब किधर है फोटो? मैंने बोला मेरे दिल में छप गया। अब सुनो, उसके बीवी ने उसके तुम्हारे ससुराल वाले ने मेरे को मार मार के निकाला, मैं निकाला। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तो परफॉर्म करने की कोशिश की थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। एबिलिटी भी तो होना चाहिए। प्री वेडिंग के लिए जा रहे हो, कैमरा लेके नहीं जा रहे हो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? परफॉर्मेंस ऑफ द होल ऑफ द ऑब्लिगेशन। मानो मैंने नौरी को उठाया उसके घर से, तुमको उठाया तुम्हारे घर से, अपन जाने वाले थे पुणे के 30 किलोमीटर बाहर, ठीक है? इन बिटवीन मेरा घर लगा, मेरी वाइफ ने मेरे को कॉल दिया, ए सतीश, बोला रुको रे, गाड़ी रुकाया मैंने, मैं मेरे घर पे गया, है ना, 5 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, मैं आ ही नहीं रहा। बोले सर क्या ही सीन है? बोले जाना है नहीं जाना है? मैंने बोला सुनो, आज के लिए इतना ही डन है ना, मतलब मेरे घर तक लाया तुमको, 15 किलोमीटर आगे लेकर आया, बराबर। अब आगे का 15 किलोमीटर मैं तुमको कल लेके जाऊंगा, क्या मैं मेरी पूरी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ? नहीं। क्या हाफ ऑफ द ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया? क्या ऐसे केस में आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे? तो मैं ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता, अरे मैं तो परफॉर्म किया, उन्होंने, तेरी गलती थी। समझ में आ रहा है? कंडीशन है ये सारी। इसके अलावा और क्या रह गया देखने दो मुझे। ओके अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा तो सामने वाले को इंस्पेक्शन का अपॉर्चुनिटी भी देना पड़ेगा, यस और नो? एग्जाम्पल, हमने एक बागबान वगैरह मूवी देखी होगी कभी, तो अगर गुड्स डिलीवर कर रहे हो, गुड्स डिलीवर कर रहे हो, तो वहां पर क्या मिलना चाहिए? इंस्पेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सपोजिंगली बागबान मूवी में क्या होता है, वो गाड़ी को देखता है अमिताभ बच्चन अब हेमा मालिनी के साथ में, बोले यार एक सपना था मेरा कि मैं भी एक गाड़ी लूंगा, कभी तुम्हें नहीं ले पाया, बट ठीक है, बोले सपने सपने होते हैं, है ना, हर सपने सच नहीं होते। तो वहाँ का मैनेजर आता है, अरे सर ड्राइव तो कर लो, टेस्ट तो कर लो, देख तो लो, है ना। अच्छा, अगर आपको कोई गुड्स मिल रहा है तो क्या उसका गुड्स है, मतलब मूवेबल है ना, इमूवेबल को गुड्स नहीं बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जो मूवेबल गुड्स है अगर आप ले रहे हो तो सामने वाले को इंस्पेक्शन का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब ये नहीं ले रहे तो भी उनको इंस्पेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। सपोजिंगली आप मेरे घर पे गुड्स लेके आ रहे हो, मैंने आपसे फोन मंगाया, आप फ्लिपकार्ट वाले हो, आप आए मेरे घर पे फोन देने के लिए, मैं बोलता रुक जा भाई, पैसे नहीं दूंगा जब तक खोल के नहीं देखूंगा। समझ में आ रहा है? आपने बोला जा तेरे को सेल नहीं करने का है, तुमने उसके अंदर क्या बोलते हैं सोप लाया, साबन डाल के लाया था, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मेरे को इंस्पेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तुमने नहीं दिया, तुम चले गए, फिर तुम ये मत बोलना मैंने तो परफॉर्म करने की कोशिश की थी, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। भाई अगर गुड्स है तो आई हैव राइट ऑफ इंस्पेक्शन। समझ में आया? यस और नो? दीज आर द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। अगर आपने ये सारी कंडीशन फुलफिल कर दी है तो प्रोमिसर नॉट लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। प्रोमिसर नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं है। समझ में आया? ये सारी चीजें फुलफिल कर दी होगी तो। दूसरा, एंड नॉर लूज हिज राइट अंडर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैन फाइल सूट एंड रिकवर डैमेजेस एक्सेट कॉम्पेंसेशन। समझ में आया बच्चों? यस और नो? अब देखो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? लॉ को जब हम लोग पढ़ते हैं रियलिटी में इतना तोड़ना पड़ता है। अब देखो, अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये सारा समझ में आया। वेयर द प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ द परफॉर्मेंस टू प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, द प्रोमिसर इज नॉट और एक्सेप्ट नहीं किया, द प्रोमिसर इज नॉट लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस Nor his lose his right under the contract. याद आया? उसके बाद में every such offer must be fulfill condition. Unconditional होना चाहिए। देखो आगे लिखा है proper time place होना चाहिए। Circumstances that the person to whom it is made reasonable opportunity of ascertaining goods होना चाहिए। याद आ रहा है? उसके बाद में able or willing to perform whole of the obligation होना चाहिए। What he promised to do. समझ में आ रहा है? Yes or no? Example पढ़ो। A contract to deliver B at his warehouse
ऑन फर्स्ट क्या ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर बी एट हिज वेयर हाउस ऑन फर्स्ट मार्च 1873 100 बेल्स ऑफ कॉटन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी. मैंने बोला आपके यहाँ पे मैं कॉटन अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है. इन ऑर्डर टू मेक ऑफर परफॉर्मेंस इफेक्ट स्टेटेड इन दिस सेक्शन ए मस्ट ब्रिंग द कॉटन बीज वेयर हाउस ऑन द अपॉइंटेड डे अंडर द सर्कमस्टांसेस दैट बी मे हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी. मतलब अगर आपने गुड्स लेके जाना चाहिए, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, प्रॉपर समय पे देना चाहिए, प्रॉपर दिन देना चाहिए, ये सारी बातें आ जाती है. समझ में आया. इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली. मतलब मेरे को परफॉर्म ही नहीं करना है, क्या होगा इसकी वजह से. छोड़ दो, बुक बंदी करो आज. तुम लोग बेरैक से पढ़ रहे हम लोग, क्या लिखा है पढ़ो. When the party to contract has refused to perform or disable himself from performing his promise in entirety, the promisee may put an end to contract unless he signify by the word and the conduct his acquiescence to the continuation. मतलब आप supposingly मैंने बोला मैंने आपको कुछ deliver ही नहीं करना है. Promisor are saying कि मैंने एक तो उसने perform किया या offer to perform किया, तीसरा उसने परफॉर्म ही नहीं किया. बोले मेरे को याद, अभी देखो तीन चीजें. आप एग्जाम को गए, ठीक है, बेटे क्लियर कर लिए, परफॉर्म आपने एग्जाम गए, यू डिडंट क्लियर, ठीक है, अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, ये भी सही बात है. गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग. बोले मेरे को जाना ही नहीं. ऐसे केस में क्या प्रॉमिस ही कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, नहीं कर सकता है. हाँ. और दूसरा चीज, क्या प्रॉमिस ही आपके अगेंस्ट में एक्शन भी ले सकता है. आंसर यस. यस. तो पढ़ो दो एग्जांपल. अ सिंगर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द बी द मैनेजर ऑफ द थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर टू नाइट एवरी वीक. मतलब सैटरडे संडे गाना गाऊंगा. ड्यूरिंग द नेक्स्ट टू मंथ बी एंगेज टू पे हर 100 रुपीज फॉर ईच नाइट ऑफ द परफॉर्मेंस. ऑन द सिक्स्थ नाइट ए विल फुली अब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द थिएटर. B is liberty to put contract at the end. समझ में आया. तो B contract को end कर सकता है. लेकिन 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 एक लाइन लिख के देखो क्या लिखा है. Promise may put an end to contract unless he signify by word or conduct his acquiescence in its continuation. Acquiescence मतलब इच्छा जाहिर कर रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, कंटिन्यू कर. मतलब सर दूसरा अब एग्जाम्पल देते हैं. सेक्शन नंबर कौन सा है अपना, 38 क्या था, 38 का नेम क्या, हेडिंग क्या था, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. अरे यार चलो विल स्टॉप ओवर हियर ओनली. सिर्फ मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल. सतीश सर ने आपको बोला था सैटरडे संडे आके अपने थिएटर में गाना गाने का, ठीक है, 6 वीक गाना गाने का. पहले सैटरडे संडे आए, दूसरे सैटरडे संडे आए, तीसरे सैटरडे संडे के दिन तुम सैटरडे को आए नहीं, तुम संडे को आए नहीं, क्या सतीश सर कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हैं. हाँ, तुम उसके अगले सैटरडे के दिन आए, मैं बोल सकता हूँ रुक जाओ गाना नहीं गाने का, इधर से बाहर निकलो. हाँ, लेकिन मैंने मेरी एक्वेंटेंस इन कंटिन्यूशन बताई कि यार ठीक है चल छोड़, मैंने तुमको गाने दिया सैटरडे नाइट संडे नाइट, अगले सैटरडे संडे क्या मैं तुमको रिफ्यूज कर सकता हूँ, नहीं तू उस सैटरडे संडे नहीं आया था. नहीं, क्योंकि आपने अपनी कंसेंट दे दी है बाय इम्प्लाइड, बोल के नहीं, हरकतों से कि कंटिन्यू कर. अब वापस नहीं बोल सकते आप, मत कंटिन्यू कर. समझ में आया. यस और नो. तो क्या मजा आ रहा है सेक्शन बैरक से पढ़ने में. यस और नो. तो हम लोग इसके आगे वाला जो टॉपिक है ना अप टू सेक्शन 75 हम लोग कैसे कवर करेंगे सर, ऐसे ही कवर कर लेंगे. चलो बाय.